नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान मस्ती एजुकेशन परिवार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा सभी को ही पता है कि रीट लेवल 2 को रद्द कर दिया गया और रीट लेवल 1 को ज्वाइनिंग दे दी गई। रीट लेवल 2 के जो अभ्यर्थी थे, टॉपर्स जो थे, जिन्होंने काफ़ी अच्छी मेहनत करके अच्छे अंक प्राप्त किए, उनके साथ एक बड़ा धोखा हुआ। उन्हें उनकी मेहनत का परिणाम नहीं मिल सका। ये सरकार की कमी रही कि उनको न्याय नहीं दिया गया। काफ़ी प्रयास किए, उनका प्रयास आज भी जारी है, पर उम्मीद लगाई हुई थी राजस्थान हाई कोर्ट से, लेकिन सरकार और हाई कोर्ट सब एक दूसरे के चट्टे वट्टे हैं। तो आप सभी मेरे दोस्तों से अनुरोध करना हूँ, प्रयास भी जारी रखें। खैर, उम्मीद तो रखी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी उम्मीद उसी पर टिकी हो, तो उससे कुछ नहीं है। अब जो कुछ भी हुआ उसको दिमाग से निकाल दीजिएगा, और जो आपके और अपने सपने थे, उन सपनों को साकार करने के लिए आइए हम एक साथ फिर से उन्हीं कदमों पर चलें और फिर से अपने उसी सपने को दोबारा से प्राप्त करने के लिए अग्रसर हों। मेरे नौजवान साथियों, आप तो पढ़े लिखे हैं, हर इंसान जानता है ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहे, और आपको खुद पता है मन के हारे हारे और मन के जीते जीत। तो दोस्तों, मन को मत हराइए। मन को हरा दिया, समझ लो आप ज़िंदगी से हार गए। और अगर आपने मन पर जीत प्राप्त कर ली तो हमारी भी जीत सुनिश्चित है। तो आइए दोस्तों, मैं आपका साथी संतोष कुशवाहा आपके साथ राजस्थान का इतिहास से संबंधित कुछ टॉपिक लेकर आ रहे हैं। मेरे साथियों, जैसा कि सभी को पता है, स्टार्ट करते हैं, बात है, नॉर्मल सी बात कर लेते हैं, 1800 ईस्वी की बात है। 1800 ईस्वी की 1800 ईस्वी में एक व्यक्ति थे, और उस व्यक्ति का नाम था जॉर्ज थॉमस। क्या नाम था मेरे दोस्तों? जॉर्ज थॉमस। और इस व्यक्ति ने सर्वप्रथम हमारा जो प्रदेश है राजस्थान, उस राजस्थान के लिए एक शब्द दिया, और उस शब्द का नाम था राजपूताना। क्या नाम दिया दोस्तों? राजपूताना। अब बात आती है, बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं, बहुत सारे विद्वान कहते हैं, ये तो मौखिक में था। तो वास्तव में देखा जाए, अगर इसी को लिखित रूप जो दिया वो 1805 ईस्वी में, 1805 ईस्वी में एक विद्वान थे, और उन विद्वान का नाम था जेम्स फ्रैंकलिन। क्या नाम था दोस्तों? जेम्स फ्रैंकलिन। इन भाई इस विद्वान ने एक पुस्तक की जो रचना की, और उस पुस्तक का नाम था मेरे दोस्तों द मिलिट्री मेमोर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। क्या नाम दिया? पुस्तक थी द मिलिट्री मेमोर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। और इन्होंने सर्वप्रथम लिखित
लिखित नाम दिया, और क्या नाम दिया, वही नाम दिया राजपूताना। क्या नाम दिया मेरे दोस्तों, राजपूताना। इसके बाद एक हमारे विद्वान हुए थे, और उन विद्वान को आपको बताइए, उस विद्वान का नाम था कर्नल जेम्स टॉट। क्या नाम था मेरे दोस्तों, कर्नल जेम्स टॉट। बात है दोस्तों मेरे 1829 ईस्वी में, और ये कर्नल जो जेम्स जो टॉड हैं, इनको कहते हैं घोड़े वाले बाबा, और इन्होंने सर्वप्रथम अपने राजस्थान के लिए एक तो नाम दिया राजस्थान, और दूसरा दिया राजस्थान। उसके बाद देखा जाए, संविधान के तौर पे देखा जाए, हमारे राजस्थान का नाम जो संविधान में लिखा गया, वो लिखा गया 30 मार्च 1949 को राजस्थान नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया, राजस्थान नाम दे दिया गया 30 मार्च 1949 को राजस्थान अस्तित्व में आ जा। अलग से पहचान बनाई, पहचान इसलिए बनाई कि आप सभी को पता है राजस्थान एक बड़ा क्षेत्र था जो कई रियासतों में बटा हुआ था, ठिकानों में बटा हुआ था, आप सभी को पता है। और उन रियासतों को जब सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जब उन रियासतों को एकीकरण में अहम भूमिका निभाई, तब जाकर राजस्थान पूरी तरह से 1949 को अस्तित्व में आया। तो ये थी दोस्तों नॉर्मल सी बातें कि राजस्थान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। अब दोस्तों हम जान लेते हैं कि हमारे जो राजस्थान था, हमारे जो राजस्थान में देखा जाए तो राजपूत थे। राजपूतों की वास्तव में देखा जाए या राजपूत लोग निवास करते थे, तो सबसे पहले एक विद्वान हुए थे, उन विद्वानों का नाम है, उस विद्वान का नाम है स्मिथ। स्मिथ ने कहा था कि 7.5 यानी 750 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक का जो काल था, ये काल था, तो ये काल कहलाया राजपूत काल। क्या कहलाया मेरे दोस्तों, राजपूत काल। स्मिथ ने कहा कि 7.5 से लेकर 1200 ईस्वी के मध्य जो काल रहा, वो काल रहा राजपूत काल। मेरे साथियों, उसके बाद हमारे एक विद्वान हुए थे जिनका नाम है गौरीशंकर ईराचंद ओझा। इन्होंने कहा कि राजस्थान जो शब्द है, ये राजस्थान शब्द है, इस शब्द का नया प्रयोग नहीं हुआ, इस शब्द का तो प्रयोग पहले भी हुआ है, ये नया प्रयोग नहीं है, इसका प्रयोग तो पहले से हुआ है। जैसे उन्होंने बताया, वास्तविक देखा जाए तो जो चाणक्य का था, अर्थशास्त्र था, उसमें भी इसका नाम मिलता है। कालिदास के जो नाटक हैं, उसमें भी राजस्थान नाम का उल्लेख मिलता है। और देखा जाए बाणभट्ट की जो रचना है अर्थचरित्र और कादंबरी, उसमें भी राजस्थान का नाम मिलता है। बात करें उसके बाद, एक इनके एक और साथी थे हीराचंद और एवं सी वी वैद्य। ये दोनों का जो कहना है, वास्तविक देखा जाए इन दोनों ने जो कहा था, इन्होंने कहा था कि जो राजपूत हैं, जो इनकी उत्पत्ति है, इनकी उत्पत्ति देखी जाए तो ये जो हैं आर्य हैं, आर्यों की संतान है। और साथ में इन्होंने कहा ये क्षत्रिय हैं। क्या है, आर्यों की संतान की उत्पत्ति है,
आर्यों से इनकी उत्पत्ति हुई है और ये क्षत्रिय हैं। ये किसने कहा था? राजसूतों की जब उत्पत्ति बताई है हिरशंकर गौरीशंकर ओझा और सी बी वैद्य ने, तो उनका है कि राजपूत जो उत्पत्ति हुई है उनकी आर्यों की संतान है और ये क्षत्रिय हैं। इसके बाद एक विद्वान थे चंद्रवरदाई, विद्वान थे जिनका नाम था चंद्रवरदाई, और चंद्रवरदाई का आपको रचना की पता ही है, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो उनकी रचना थी। इस रचना के अनुसार देखा जाए, रचना के अनुसार देखा जाए वास्तव में तो एक वशिष्ठ मुनि थे, वशिष्ठ मुनि थे और इन्होंने एक यज्ञ की थी और यज्ञ से देखा जाए तो चार पुत्र पैदा हुए और उसमें से एक था परमार, दूसरे थे चालुक्य और एक थे सोलंकी और एक थे चौहान। इनकी उत्पत्ति ही और ये चारों का चारों इनके पुत्र जो थे वो क्या कहलाए दोस्तों, सॉरी यहाँ मैं भूल गया, ये सोलंकी नहीं, ये प्रत्याहार थे दोस्तों। इनकी उत्पत्ति ही और इनकी उत्पत्ति से ही देखा जाए तो राजपूतों की उत्पत्ति ही, ये चारों में से देखा जाए जो चौहान थे वो सबसे ताकतवर थे, सबसे ताकतवर थे ये दोस्तों। अब देखा जाए दोस्तों एक बार से फिर रिपीट कर, राजस्थान शब्द की जो उत्पत्ति देखी जाए, सबसे पहले 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस के द्वारा इस राजस्थान प्रदेश के लिए राजपूताना शब्द दिया गया। वास्तव में अगर बात करें तो इसका लिखित रूप जो मिलता है जेम्स फ्रैंकलिन की जो पुस्तक है द मिलिट्री मेमोर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, यहाँ राजस्थान को राजपूताना लिखित रूप में प्रयोग मिलता है। और उसके बाद देखा जाए 1829 में का हमारे घोड़े वाले बाबा यानी कर्नल जेम्स जो टॉड हैं, वो 1829 में उन्होंने जो राजस्थान के जो नाम दिया वो दिया रायथान या राजस्थान दिया था। वास्तव में जब राजस्थान की 30 मार्च 1949 को अपने अस्तित्व में आया, क्योंकि एकीकरण हुआ था, क्योंकि 19 रियासत और 3 ठिकानों में बटा हुआ था, जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था उसका नाम दे दिया गया राजस्थान। फिर बात करें इस राजस्थान की, क्योंकि राजस्थान को राजपूतों का जन्मस्थली कहा जाता है इसलिए इसको राजपूताना के नाम से जाना जाता है, तो हमारे एक विद्वान थे जिसका नाम था स्मिथ। उन स्मिथ ने कहा था कि 700 शताब्दी के मध्य से लेकर 700 शताब्दी के मध्य से था, सातवीं शताब्दी से लेकर 1200 ईस्वी का जो मध्य का जो काल रहा था वो राजपूत काल रहा था, सातवीं शताब्दी से लेकर 1200 ईस्वी के मध्य जो काल रहा था वो राजपूत काल रहा था। और हमारे एक प्रसिद्ध इतिहासकार रहे हैं, उनका नाम है गौरीशंकर हीराचंद ओझा, उन्होंने कहा कि राजस्थान शब्द का नया प्रयोग नहीं है, इनका तो प्रयोग हमारे प्राचीन जो ग्रंथ हैं उसमें भी होता आया है, जैसे चाणक्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र उसमें भी प्रयोग हुआ है। वास्तव में देखा जाए कालिदास के जो नाटक है विज्ञान सागुत्तलम है और भी हैं तो उनमें भी राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। बाण भट्टे के जो हर्ष चरित्र है और कादम्बरी जो नाटक है उनका, उसमें भी राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। और उसके बाद बात करें तो इसमें राजस्थान के जो राजपूत थे और उन राजपूतों की जो उत्पत्ति थी, तो गौरीशंकर ओझा और सीबी जो वैद्य थे उन्होंने कहा कि राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई है उनको बताया कि आर्यों की संतान है और ये क्षत्रिय थे। और हमारे एक विद्वान थे चंद्रवरदाई जिनकी पुस्तक थी पृथ्वीराज रासो, उनके अनुसार देखा जाए वास्तव में एक मुनि थे जिनका नाम था वशिष्ठ, जिन्होंने यात्रा की थी, वो यज्ञ की थी, उस यज्ञ में चार पुत्र पैदा हुए थे, इसमें थे परमार चालुक्य प्रत्याहार और चौहान थे। उन चारों में से सबसे ज़्यादा देखा जाए ताकतवर जो था तो वो थे चौहान। अब दोस्तों इसको साफ कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब देखो दोस्तों और भी हमारे विद्वान थे, उनका नाम था भंडारकर, जो थे विद्वान थे
राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में, और हमारे साथ में देखा जाए एक शिलालेख प्राप्त हुआ था और उस शिलालेख का नाम था बिजोलिया शिलालेख। और इसके जो रचनाकार थे तो वो थे गुणभद्र थे इसके रचनाकार। अब इनके के अनुसार देखा जाए तो राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में इनके भी देखा जाए तो इन्होंने वास्तव में जो कहा था तो इन्होंने कहा कि राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई है वो नागर ब्राह्मण से हुई है। किससे हुई है? नागर ब्राह्मणों के माध्यम से हुई है। राजस्थान जो राजपूतों की उत्पत्ति हुई है वो नागर ब्राह्मण से हुई है। अब बात करें तो हमारे एक कर्नल जेम्स टॉड जो घोड़े वाले बाबा थे उन्होंने कहा है कि राजपूतों की उत्पत्ति देखी जाए तो कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार देखा जाए, कर्नल जेम्स टॉड यानी घोड़े वाले बाबा के से देखा जाए तो इन्होंने कहा कि राजपूत जो थे वो राजपूत सख और एक जाति थी, और कौन सी जाति थी? वो थी सीथियन। सीथियन की जाति के ये देखा जाए इन जाति के की संतान माना है किसने? कर्नल जेम्स टॉड ने। सक और सीथियन जो जाति थी उसकी संतान माना है किसने? कर्नल जेम्स टॉड ने माना है। और स्मिथ की बात की जाए, बीए स्मिथ थे, एक विद्वान थे, बीए एक नाम है, स्मिथ नाम के एक विद्वान थे जिन्होंने कहा था, मेरे साथियों इन्होंने कहा था कि जो राजपूत हैं वो उन्होंने कहा वो हूणों की संतान है, क्योंकि उस समय देखा जाए हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था और वो आकर यहाँ बस गए थे। तो उन्होंने माना है, इस बी ए स्मिथ ने कहा कि ये जो राजपूत हैं वो हूणों की संतान है, क्योंकि इन्होंने आक्रमण किया था, आक्रमण के साथ ही इन्होंने राजस्थान के काफ़ी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था, और अधिकार पर करने के बाद वो यहाँ कर बस गए और उनकी जो संतान हुई वो संतान ही क्या कहलाए? राजपूत कहलाए। अब देखा जाए हमारा एक ग्रंथ है और उस ग्रंथ का नाम है हम्बीर महाकाव्य। इसके अनुसार देखा जाए अब राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में ये कहते हैं, सबसे पहले देखा जाए इसके जो रचनाकार हैं वो दोस्तों नाम बता दीजिए, तो उनका नाम है नैन चंद्र सूरी। ये इसके रचनाकार हैं। इसके अनुसार देखा जाए साथ में एक और ग्रंथ मिलता है, पृथ्वीराज विजय। और देखा जाए इसके जो रचनाकार हैं उन रचनाकार का नाम है जयानक। क्या नाम है दोस्तों? जयानक। ये देखा जाए इनके अनुसार देखा जाए जो राजपूतों की जो उत्पत्ति है, ये राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में कहते हैं कि ये राजपूत जो थे वो सूर्यवंशी भी थे प्लस ये कहते हैं कि चंद्रवंशी भी थे। सूर्यवंशी थे और साथ में सूर्यवंशी भी थे, साथ में कहते हैं ये चंद्रवंशी, यानी सूर्यवंश के थे से इनकी उत्पत्ति हुई और चंद्रवंश के से भी इनकी उत्पत्ति हुई। और हमारा जो ऋग्वेद कहता है, हमारा जो ग्रंथ है प्राचीन जो ग्रंथ है विश्व का वो ऋग्वेद है, और वो ऋग्वेद कहता है और वो ऋग्वेद जो कहता है वो कहता है ये ब्रह्मा की संतान है। राजपूत कौन है? ब्रह्मा की संतान है। और देखा जाए ये ऋग्वेद की बात रही, मनुस्मृति जो कहती है, हमारा एक और ग्रंथ है मनुस्मृति जो स्मृति है वो कहती है कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो ब्रह्मा की भुजाओं से उत्पत्ति हुई है। ये कौन कहता है? मनुस्मृति कहती है। तो दोस्तों ये तो बात थी कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई। राजपूत देखा जाए राजस्थान का नाम क्या था, तो 1800 ईस्वी में देखा जाए तो सबसे पहले राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द की प्रयोग किया गया, किसके द्वारा? जॉर्ज थॉमस के द्वारा। लिखित में साक्ष्य देखा जाए तो 1805 में ही जेम्स फ्रैंकलिन ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द मिलिट्री मेमोर्स ऑफ थॉमस था, उस पुस्तक में भी लिखित साक्ष्य मिले, राजपूताना शब्द का उल्लेख मिला। उसके बाद देखा जाए तो
एक विद्वान हुए थे और उनका नाम था कर्नल जेम्स टॉड, जो हमारे थे 1829 में। उन्होंने 1829 में राजस्थान शब्द के लिए रायथान और राजस्थान शब्द के प्रयोग किया था। और उसके बाद देखा जाए 30 मार्च 1949 को हमारे राजस्थान प्रदेश अस्तित्व में आ जा। उसके बाद बात करें तो यहाँ देखो पूरा राजस्थान राजपूता नाम इसलिए कहा गया क्योंकि हमारे पूरे राजस्थान में राजपूत निवास करते थे। तो एक हमारे एक विद्वान हुए थे, उनका नाम है स्मिथ। तो उन स्मिथ ने कहा था कि 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के मध्य का जो काल है वो काल जो है वो कहलाया राजपूत काल। उसके बाद बात करें तो गौरीशंकर ओझा जो थे उन्होंने कहा कि राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग आज से नहीं हुआ है, नया नहीं हुआ है, इसका तो प्रयोग हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी हुआ है। जैसे देखा जाए ग्रंथ देखा जाए कौटिल्य का अर्थशास्त्र है और देखा जाए कालिदास के नाटक हैं, बाणभट्ट की जो कथाएं हैं वो बाणभट्ट की जो रचना है कादंबरी और हर्षचरित है उसमें भी राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है। उसके बाद बात करें तो मैंने बताया था गौरीशंकर ओझा और सीवी वैद्य कहते हैं कि ये वास्तव में देखा जाए आर्यों की संतान है और क्षत्रिय हैं। और उसके बाद मैंने बताया आपको मनुस्मृति कहती है ब्रह्मा की भुजाओं से उत्पत्ति हुई है, ऋग्वेद कहता है ये ब्रह्मा की संतान है और भंडारकर और बिजोलिया शिलालेख कहता है ये नागर ब्राह्मणों से इसकी उत्पत्ति हुई है। हमारे कर्नल जेम्स जो टॉड कहते हैं वो कह सक और सीतियन नाम की जाति थी उसकी संतान बताते हैं। तो बी ए इसमत जो अपने विद्वान हैं वो कहते हैं हुड़ों की संतान है। उधर देखा जाए हमारे जो ग्रंथ हैं दो हम्बीर महाकाव्य जो नयन चंद सूर्य के द्वारा लिखा हुआ है और एक ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय इसके रचनाकार हैं जयानक। ये कहते हैं कि ये राजपूत जो थे वो सूर्यवंशी थे और चंद्रवंशी थे। तो ये बात थी राजपूत उत्पत्ति की। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे का हम अगला भाग आपको लेकर आएंगे जिसमें हम प्रारंभ करने जा रहे हैं मेवाड़ का इतिहास। सबसे पहले हम मेवाड़ का इतिहास के बारे में जानेंगे, मेवाड़ का इतिहास कैसा है। तो दोस्तों बने रहे हमारे इस चैनल पर, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।